वातावरण के अवसर पर आज हम लोग पिपनार में आए हुए हैं। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज के 20 साल पहले कोई महाराजा सुहेल देव जी को जानने वालों की संख्या भी 1% नहीं थी। आज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा हो रही है। उनके मूर्ति उद्घाटन के अवसर भाषण में बोल रहे थे कि चार बार शासन कर चुकी बसपा, एक सीट और देश पे शासन करने वाली कांग्रेस हाशिए पर है, तो इसके पीछे सुभा सपा का क्या लॉजिक है? हमने अपने मेहनत, परिश्रम, संघर्षों के बल पे 6 सीट जीता और जितवाया। जिन्होंने हमको सहयोग दिया, हम तो 6 जीत पाए। अगर आप गाजीपुर में देखें तो हम तो 2 जीते लेकिन उनको 5 जितवाए। आजमगढ़ में हम 1 नहीं जीते लेकिन उनको 10 जितवा दिए। अम्बेडकर नगर में हम 5 जितवा दिए। बलिया में हम 1 जीते, 4 उनको जितवा दिए। मऊ में हम 1 जीते, 2 उनको जितवा दिए। बस्ती में 1 हम जीते, 4 उनको जितवा दिए। इसी तरह आदान प्रदान करके हम अपनी ताकत का एहसास, जब हम बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी 325 से थी, जब वहाँ से हटे तो 273 पर आए, फिर जब इनके साथ आए तो ये 47 पे थे समाजवादी, जब इनके साथ आए तो 125 पर। तो सबको इस बात का एहसास हो गया कि पूर्वांचल में अति पिछड़े, अति दलित के बल पे जो ओम प्रकाश राजभर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई में ताकत तो घूम गया। तो आप दावा कर रहे हैं कि हमने जितवाया, तो 9 तारीख से पदयात्रा कर रहे हैं बिना आप? देखिए, 25 करोड़ आबादी है और पदयात्रा करना अलग बात है। सूबे के मुख्यमंत्री 5 साल थे, एमएलसी का अभी अभी पर्चा भरा गया और डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। 5 साल मुख्यमंत्री थे और इतनी जानकारी नहीं हो पाई कि एमएलसी के प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए। कितनी को अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। पर्चा खारिज हो गया। वो एक सूबे के मुख्यमंत्री पर्चा भरवा रहे हों और पढ़े लिखे लोग उनके साथ जा रहे हों और जिसकी उम्र 28 साल हो, ये क्या साबित करता है? मिनिमम 30 साल होनी चाहिए। 30 साल होनी चाहिए क्या? ये जानकारी 5 साल मुख्यमंत्री को नहीं, तो आपके सहयोगी रहे बाहर से पढ़े हुए नहीं, तो अब इनडायरेक्ट समर्थन उधर जहां जो बोल रहे हैं रथ यात्रा के लिए निकल रहे हैं।